जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरा व्लॉग आपके भाई ने रात में स्टार्ट कर दिया, टाइम हो रहा है 1 बजने वाला, और दूसरा व्लॉग भी 1 बजे स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पहले व्लॉग की एडिटिंग अभी 12:30 बजे ख़त्म हुई है और दूसरे व्लॉग स्टार्ट कर दिया 1 बजे के टाइम। सो यार बस ये है कि आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, व्लॉग्स में बहुत मेहनत लग रही है आजकल क्योंकि टाइमिंग बहुत शॉर्ट है और व्लॉग भी पूरा करना होता है तो बड़ी मसरूफियात भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डेली व्लॉग छोड़ नहीं रहा अभी तक। अपने डेली व्लॉग के ऊपर समझो एक तरीके से फोकस्ड हूँ और छोड़ नहीं रहा हूँ डेली व्लॉगिंग को किसी भी हाल में। अभी देखो रमज़ान में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि मुझे शॉप पे जाना होता है यहाँ वहाँ, तो उसके टाइम्स मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका व्लॉग बना रहा है, एंटरटेन कर रहा है आप लोगों को, हर चीज़ दिखा रहा है। तो इसी वजह से बस ये है कि सब्सक्राइब कर दिया करो, हमें बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों को टाइम नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, तो कर दिया करो। तो खैर एनीवेज व्लॉग स्टार्ट कर लिया था। अभी जो है चाय वगैरह बनाई थी और चिप्स वगैरह हैं खाने में, वो रखे हुए चिप्स 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 चिप्स। सो अभी चिप्स को करते हैं अनबॉक्स और इस व्लॉग को इनसे स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। चिप्स का लुक देख सकते हो सब, और चिप्स बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं और रायता वगैरह डला हुआ है, और चाय का क्लोज अप, चाय का क्लोज अप, दिल बना हुआ आ रहा है चाय में फ्लैश की वजह से, ये चेक करो दिल बना हुआ नहीं आ रहा। सो भाई चाय के क्लोजअप में दिल बना हुआ आ रहा है फ्लैश की वजह, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा, इसमें ही आ रहा है सिर्फ। फटाफट सभी चिप्स वगैरह खाते हैं और सैरी वाले टाइम पे मिलते हैं। नाइस। तो यार फाइनली जो है सैरी वगैरह का टाइम हो चुका है और आपके भाई की आपको लिए 4:45 बजे बिल्कुल बंद होने वाले टाइम पे, अभी 15 या 20 मिनट बाद सैरी बंद हो जाएगी, यानी 5:10 या 5:05 पर बंद हो जाएगी, और अभी हो रहा है 4:45। सो अभी अभी उठा हूँ और सैरी वगैरह में है चाय और अपना छोले पराठे। अच्छा ये छोले जो है पहले के, सो जो है सैरी वगैरह करते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर सोते हैं। नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है इस टाइम पे यार, क्योंकि एक तो दुकान वगैरह की थकावट, फिर रात में नींद नहीं आती, 2:30 बजे के बाद नींद आती है, फिर सैरी के लिए दोबारा उठ जाओ, सो रूटीन बड़ी ख़राब हो जाती है। सो खैर अभी फटाफट से यार पहले सैरी वगैरह करते हैं और फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने आते हैं, फिर वहाँ से आके सोएंगे तो फिर जो है उठेंगे तो फिर दोपहर में आप लोगों से बात कर पाएंगे ना, वरना जब सोएंगे नहीं तो उठेंगे नहीं तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, और बात नहीं हो पाएगी तो लेट हो जाएंगे तो शॉप पे आने के लिए टाइमिंग का मसला हो जाएगा। सो खैर फटाफट से करते हैं सैरी और उसके बाद दोपहर में मिलता है। यार फाइनली जो है नमाज़ पढ़ने जाने का टाइम हो चुका है, आज है जुम्मे का दिन, तो टाइम अवर हो चुका है, मैं जाऊँगा दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले लेट तो हो ही चुका हूँ, घर में पानी ही भरना है, सो फटाफट पहले पानी भरने चलते हैं फिर उसके बाद देन नमाज़ पढ़ने चलते हैं। सुबह नमाज वगैरह पढ़ के मैं आ चुका हूँ नाना घर पर, अरम भाई पढ़ने के बाद, तो फटाफट जो है आज अफ्तारी का सीन यहीं पे है, नाना घर पर दावत है, लेकिन जो है पहले शॉप वगैरह आया ना, फिर वहाँ से आके देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं, फटाफट पहले जो है थोड़ी देर आराम करते फिर चलते हैं शॉप पर, वहाँ से आते हैं अफ्तारी वगैरह करते फिर दोबारा चलते हैं शॉप पर। सो भाई फाइनली शॉप वगैरह पे पहुँच चुके हैं और जो है शॉप का आज मैंने बोला कि छोटा सा आप लोगों को विज़िट करवा दिया क्योंकि अभी वापस जाने हैं हमें घर पे, और अभी मैं जा रहा हूँ समोसे लेने के लिए नाना के घर के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यार आते हुए समोसे लेते हुए आ जाना, सो समोसे वाले के पास रश बहुत है और सामने दोबारा से एक खड्डा देखने को नज़र में आप लोगों की आ जाएगा, तो सीन कुछ ये था कि अभी जो है समोसे वगैरह लेने, तो एक दर्जन समोसे लेने और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है समोसे वाले के पास, क्योंकि इसके समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं टेस्ट में और बहुत ही ज़्यादा क्लास के समोसे होते हैं, और समोसों के साथ साथ जो है ये फ्री की तरकारी भी देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश होता है और ज़्यादातर लोग इनकी तरकारी खाने की वजह से आते हैं। तो खैर समोसे वगैरह तो आपके मैंने ले लिया, और ये है हमारे लालू खेत का हाल कि पूरे पहाड़ पहाड़ बने हुए हैं जगह जगह पे, और बाइक चलाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है यहाँ पे, कि ज़रा सा आपने चूके और आपकी जान को ख़तरा हो सकता है इस मोबाइल इसके अंदर। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है हमें जाना है घर और रफ्तारी खोलनी है यानी रोज़ा खोलना है, तो आप लोग इंजॉय करो क्लिप को।
यार फाइनली मैं हम लोग आ चुके हैं शॉप पे थे वापस, सारे बच्चे ये लोग सारे ऐसी बारह वगैरह पढ़ रहे यार। अरम पता नहीं कहाँ है, अरम वो रहा, अरम काम करवा रहा है। खैर बाकी ये लोग सारे पारी के और मैं भी पारी को आ रहा हूँ। ये रहा अरम और ये हारिस सो जो है यार। खैर अभी इफ्तारी वगैरह का टाइम होने वाला है और जैसा कि नाने घर पे इफ्तार की दावत थी तो हम लोग सारे से मतलब यानी मैं आ चुका हूँ वापस शॉप पे से और इफ्तारी वगैरह का टाइम होने वाला है और इफ्तारी लगने वाली है। सौसर की नमाज़ सो चुके थे फारी, अब इफ्तारी में कोई 10 या 15 मिनट ही रह गए, फटाफट से इफ्तारी वगैरह लाते हैं फिर दस्तखान भी मिलता है। तो वही फाइनली जो है इफ्तारी वगैरह लग चुकी है और सारे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं और अलीजा पढ़ रही है सिपारा वगैरह। सो जो है इफ्तारी वगैरह लग चुकी है, समोसे वगैरह और बाकी सारी चीज़ें। सो जो है इफ्तारी वगैरह के लिए बैठने वाले हैं क्योंकि टाइम भी अब करीब होता जा रहा है इफ्तारी का, रोज़ा खुलने में कोई 20 मिनट ही रह गए हैं। हम दुआ मांगने बैठी गई थी अल्ली। सो खैर यहाँ से फारी हो गया, फिर घर चलते हैं। फाइनली अभी भी घर पे हूँ, टाइम हो रहा है 12:10 और अभी जस्ट घर पे पहुँचा हूँ मैं। मैंने ना ब्लॉग को भी एंड कर लिया जाए क्योंकि इफ्तारी वगैरह से फारी होने के बाद टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, क्योंकि सबको पता है कि रोजे के बाद जो है रश पड़ जाता है मार्केटों में। तो खैर इस वजह से जो है ब्लॉग वगैरह नहीं बना पा रहा। तो खैर अभी जो है घर पे आया हूँ और इस ब्लॉग पे यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद है पसंद आएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।